इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास रचने की बात कही है। मोदी जी द्वारा लिए गए फैसले इतिहास में लिखे जाएंगे। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा गया। वहीं 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास रचने की बात कही है। मोदी जी द्वारा लिए गए फैसले इतिहास में लिखे जाएंगे। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा गया। वहीं 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मनाया जाएगा। ये 15 अगस्त के हर भारतवासी का माथा ऊंचा हो जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस दिन की बहुत बहुत शुभकामना है। हम इसी तरह गौरवान्वित जो शहीदों ने किया, उन शहीदों के चरणों में नमन। मुख्यमंत्री जी का सोच यही था कि जब हमने सभी जगह पर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध किया है, तो फिर 15 अगस्त के जलसे जिलों के अंदर बड़े बड़े न हो। जहां भी कार्यक्रम झंडा वंदन का सभी जगह पर होगा, पर जो केंद्र की गाइडलाइन है उसके अनुरूप होगा, संख्या जो निर्धारित है उस संख्या के अनुरूप होगा। केंद्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और सभी मंत्री वहाँ रहते हैं, इसलिए सभी मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को यहीं पर रुक करके उसी कार्यक्रम में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी झंडा वंदन करेंगे उसी में शामिल होना है, और इसलिए अतएव सभी मंत्रीगण भोपाल में ही उपस्थित रहेंगे। अब क्या कह सकते हैं, मैं इतने वरिष्ठ हैं, कोई ये तो कह नहीं सकता कि खींच मिटाने वाली बात है। कहा तो उनने ये था कि 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, अब नहीं कर पाए तो ये संबोधन, पता नहीं। कहा तो ये भी था कि विधायक दल की, अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ऐसी बातें करते क्यों हैं जिनका वो अनुसरण नहीं कर पाए, पर आदत में है। घोषणा पत्र की जब एक ही बात उनने अमल में नहीं ली तो सोच रहे हैं ऐसे बोल बोल के कांग्रेस को तो थामे नहीं, भगदड़ हो जाएगी। अच्छा होता कि ये संबोधन वो अपने विधायकों को करते, पार्टी की एकता को करते, अपने कार्यकर्ताओं को करते। कार्य और पार्टी इतनी ज़्यादा उनके कार्यकाल में प्रभावित कैसे हो गई, इसलिए कर देते। देखिए, उनने तो दोनों ही चीज़ों में असत्य बोला। बड़ी जोर जोर से बोलते रहे हम माफिया राज को समाप्त कर रहे हैं, और उसको ही जीतू को ही गिरफ्तार नहीं कर पाए थे वो जो थे, भगे थे, क्या नाम है, सोनी जी, उनने नहीं पकड़ा उसे। कहते रहे माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ा माननीय शिवराज सिंह की, चौहान की सरकार। उनके समय के जितने जिनको उन्होंने माफिया कहा और भागे, पकड़े शिवराज सिंह चौहान, ये नहीं पकड़ पाए। ये हमेशा मैंने कहा ना कि झूठ पर झूठ बोलना और सिर्फ झूठ की राजनीति करना, सिर्फ यही कांग्रेस का सगल है। ये वास्तव में हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है। कहावत है अपने यहाँ के, कोई तो चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो माननीय मोदी जी के द्वारा जो फैसले लिए गए उनके लिए लिखा जाएगा। देश के अंदर
हम तो कम से कम जब से राजनीति में आए और उससे पहले भी यही सुनते रहे कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 370 हटाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले और विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएंगे तो माननीय मोदी जी देखे जाएंगे। और अभी तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात आप कर रहे हो, आगे आगे देखिए कितना कार्यकाल उनका चलता है और देश को कहां से कहां ले जाते हैं। देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी निश्चित रूप से वो अलग अलग स्थानों पर, जैसे पहले भोपाल में बढ़ रहा था, अब भोपाल में कम हो गया है, इंदौर में तेज़ी से बढ़ा और कम हुआ। वो संक्रमण की विशेषता ही यही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण से अलग अलग स्थिति का वो व्यापकता लेता है। लेकिन ये भी सच है कि सरकार मुस्तैदी से हर जगह उसे नियंत्रण में लेती है। सरकार की व्यवस्थाएं इतनी समुचित हैं कि आप देखेंगे कि हर व्यवस्था सरकार ने निःशुल्क करके रखी है सब गरीबों के लिए। पत्नी को संभवतया बताते हैं कैंसर था, अभी प्रथम जानकारी ही आई है, स्पष्ट नहीं आई है, पर था, इसके कारण से वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। बस और वो क्या करेंगे अभी, और आप लोग स्थान दोगे तो यही करेंगे। जन आंदोलन करने की स्थिति तो कांग्रेस की है नहीं ना, कार्यकर्ता तो बचे ही नहीं है, नेता नेता हैं, यही कर सकते हैं।